हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर वेरी ओन डॉक्टर अंशुमन वंस अगेन। दोस्तों, प्रेजेंट डे सिनेरियो में हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी और फिट नहीं रख पाते हैं। हम तरह तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, कभी जिम ज्वाइन करते हैं, हर तरह की कोशिश करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती। फिर वो वायरल इन्फेक्शन हो या लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इनफैक्ट कैंसर्स भी अब बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। मैं खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर हूं, बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन है, जैसे आयुर्वेद की हम बात करें या नेचुरोपैथी, दैट इज प्राकृतिक चिकित्सा की हम बात करें, या बिल्कुल बेसिक लेवल पर आकर मैं बात करूं तो हमारी दादी माँ और नानी माँ की जो रसोई है या उनके जो घरेलू नुस्खे हैं, उनमें भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको यदि हम फॉलो करें तो वो फॉलो करने में आसान भी है, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो मिरेकुलस है, चमत्कारिक है, हम बिलीव नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको यदि हम डेली ले लें तो वायरल इंफेक्शन से लेकर कैंसर्स तक की जितनी भी बीमारियां हैं, मेजॉरिटी ऑफ डिजीजेस से हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं। मैं खुद इन चीजों को डेली लेता हूं, कई सालों से लेता आ रहा हूं, और इसीलिए अब अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि वास्तव में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो वायरल इन्फेक्शन अब इतनी इजिली नहीं होते, उतने फ्रिक्वेंटली नहीं होते हैं मुझे जितना पहले हुआ करते थे। पहले दोस्तों लिटरली मतलब हर 2 से 3 महीने में एक बार मुझे वायरल इन्फेक्शन होता ही होता था, जब भी सीजन में चेंज आता था। तो पहली चीज तो अब वायरल इन्फेक्शन मुझे इतना फ्रिक्वेंटली होता नहीं, साल में एक आध बार हो गया तो ठीक ही, नहीं तो कई बार वो भी नहीं होता। और यदि हो भी जाता है तो पहले जो वायरल इन्फेक्शन ठीक होने में 5 से 7 दिन का समय लेता था, अब वो 1 से 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इन चीजों के लेने से मेरी इम्यूनिटी इंप्रूव हुई है। तो ये वो 3 चीजें कौन सी है जो बहुत इजिली अवेलेबल भी है हमारे देश में, आपके घर के आसपास, आपके बगीचे में, और इनको यदि आप डेली ले लोगे तो अपनी इम्यूनिटी को बहुत बहुत ज्यादा आप इंप्रूव कर पाओगे। तो ये वो 3 चीजें हैं, नीम, तुलसी और गिलोय। ये तीनों हर्ब्स मिरेकुलस हर्ब्स है। अब आप कहेंगे इनको लेंगे कैसे, लेना इतना आसान नहीं होता, रोजाना नीम के पत्तियों को तोड़ना, तुलसी की पत्तियां, उसके ऊपर से फिर गिलोय की अवेलेबिलिटी का कई बार इश्यू आ जाता है। वैसे आप एक गमले में अपनी छत पर उगा भी सकते हो गिलोय को, लेकिन अब इन तीनों को कंबाइन करके बहुत सारे फॉर्मुलेशंस, आयुर्वेदिक मेडिसिंस आपको मार्केट में मिल जाएंगी। किसी भी एक अच्छी ब्रांड का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। टैबलेट फॉर्म में भी अब आते हैं, इसलिए इनको लेना बहुत आसान हो जाता है। रोजाना आपको 1 या 2 टैबलेट सुबह खाली पेट लेना है और आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल फ्रेंड्स एंड स्टे कनेक्टेड।